हेलो फ्रेंड, आज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू क्रिएटर का ये समस्याएं होती है कि अपने YouTube चैनल का नाम YouTube में सबसे ऊपर कैसे लाएं। क्योंकि जब तक उनका YouTube चैनल का नाम YouTube के सबसे ऊपर सर्च में नहीं आता है, तब तक उनके चैनल पर सब्सक्राइबर और ना ही उनके वीडियो पर व्यूज बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने YouTube चैनल का नाम YouTube के टॉप रैंक में ला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ऑडियंस को सर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पूरा देखते रहिएगा, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए हम आज के वीडियो फाइनली शुरू दोस्तों करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के फ़ोन स्क्रीन पर और यहाँ से हम आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने YouTube चैनल का नाम YouTube के सबसे ऊपर ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा थ्री डॉट पर क्लिक करना है। नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद से अपने मोबाइल को रोटेट कर देना है। मोबाइल को रोटेट करने के बाद यहाँ आप लोगों के सामने दिख रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन इधर दिख रहा होगा, इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों के सामने बहुत सारे फीचर देखने को मिल रहा होगा, जैसे जनरल, चैनल, अपलोड डिफ़ॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी, क्रिएटर, डेमोग्राफिक, प्रमोशन, परमिशन, यहाँ सारे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने जनरल पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले अपना क्या करना है कि इंडियन रुपीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको चैनल पर क्लिक कर लेना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद एक सेटिंग जो फीचर हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है वैसे ही आप लोगों को करना है। बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक आप समझिए, नहीं तो आपका चैनल टॉप रैंक में नहीं आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद से यहाँ हम लोग क्या करना है कि अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा कंट्री इंडिया है तो इंडिया हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अपना कीवर्ड, जो अपना कीवर्ड लिखते हैं वो आपके चैनल के रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपका चैनल यूट्यूब के टॉप रैंक में आएगा, सर्च में आएगा, नहीं तो आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम अपना, जैसे मेरे चैनल का नाम है KVC टेक सपोर्ट, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि KVC टेक सपोर्ट। एक इस चैनल के नाम के रिलेटेड हम क्या करेंगे कि अपने कीवर्ड इसमें डालेंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, सबसे पहले कैपिटल अक्षर में पूरा लिख देते हैं KVC टेक सपोर्ट, पहले लिखते हैं KVC टेक, उसके बाद सपोर्ट हम लिख देते हैं, पूरा सब कैपिटल अक्षर में ही लिखना है। तो यहाँ से हम लिख दिए KVC टेक सपोर्ट, देख सकते हैं। उसके बाद से हम इसको ऐसे कर दिए। उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे कि KVC टेक सपोर्ट को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे KVC टेक सपोर्ट। उसके बाद से हम लोग ये भी लिख लिए, देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग कीवर्ड ऐसे, हम लोग बहुत सारे कीवर्ड हम लिखें। ऐसे कीवर्ड आप लोगों को क्या करना है कि अपने चैनल के रिलेटेड, जिस आपके YouTube का चैनल जिस नाम से, उस चैनल के रिलेटेड अपना क्या करना है कि कीवर्ड इसमें जो होता है कि टैग होता है, उस टैग को यहाँ फिल कर लेना है, तभी आपके चैनल सर्च लिस्ट में आएगा। लेकिन यहाँ आप लोगों को ये करना है कि आपके कीवर्ड 500 ही वर्ड में होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे 500 ज़्यादा हो गया था तो इसको हम कट कर लिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अपने चैनल के रिलेटेड अपना कीवर्ड जो टैग्स होते हैं उसको डाल दीजिएगा, तो आपके चैनल बहुत जल्दी आपके चैनल यूट्यूब के टॉप रैंक में आएगा, सर्च में आएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि अभी लिखें अभी ही मेरा चैनल सर्च में आने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। 24 घंटे वेट करिए, तब देखिए कि आपके चैनल यूट्यूब के सर्च लिस्ट में आने लगेगा।
तो आई होप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे, सीखे होंगे। तो इस वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक हम लाते रहते हैं। जय।